तो फाइनली आप लोग यहाँ देख सकते हैं मैं रेडी हो चुकी हूँ और पूजा के लिए बैठी हूँ। तो यहाँ मैम अपनी मम्मी से बोल रही थी कि थोड़ा पास में आ जाओ, दूर बैठी हैं, साफ दिख नहीं रहा था। तो कमेंट में बताना कि मैं कैसी लगी, मेरा मेकअप कैसा लगा, मेरा लहंगा कैसा है। और पूरी वीडियो देखना, अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है। तो मेरी वीडियो पूरी देखना है। और आज मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया है गिफ्ट करवा चौथ पे, तो क्या है ये पूरा वीडियो देखोगे तभी पता चल पाएगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं बात कर रही थी, मम्मी बोल रही थी कि मतलब दूर ही थोड़ा सही है, बट हम वहाँ से आए थक बहुत ज़्यादा गए थे तो वीडियो नहीं बना पाए थे, लेकिन जितना हो पाया उतना हमने वीडियो आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। और हम अपने मायके में की थी तो हमारी ये मम्मी बैठी हुई हैं और पीछे। तो यहाँ पे देखिए, हम पूजा करना स्टार्ट कर चुके थे और चांद भी निकल आया था। तो हमने जल छिड़का, फिर सब मतलब अपने करवा में और गौरी माँ जो हैं उनको सिंदूर अर्पण किया, और उसके बाद हम कथा उठा करेंगे। मम्मी मरी कर चुकी हैं, मैं भी कर चुकी हूँ, और आप लोग देखते जाइए पूरा वीडियो। लहंगा पहन के बैठ नहीं मिलता, ये प्रॉब्लम हो जाती है, कैंकन बहुत भारी है। तो मैं सोच रही हूँ, मम्मी बोल रही थी कथा कैसे कहें, कहानी कैसे कहें, तो मैंने सोचा कैलेंडर लाई हूँ, इसी में लिखा है तो हम पढ़ कर लेते हैं। तो ये हम कथा पढ़ रहे थे, मैंने पहले सोचा कैलेंडर को टीका कर लेते हैं माता रानी को, फिर कथा पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने दिखाने की कोशिश की है, मेरे यहाँ पूजा इस तरीके से होती है, गोल गोल बना के। ये मम्मी का करवा है, बीच में गौरी माँ का मतलब कलश है, फिर ये मेरा रखा हुआ है, और ये हमारा थाली सेट है। तो आप लोग बताना मेरा थाली सेट कैसा लगा। ये लोटा था, ये मेरा छलनी है और थाली है, और ये कैलेंडर रखा हुआ है। तो यही सब मैंने दिखाने की कोशिश की है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इस वीडियो को। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैं करवा की पूजा कर रही हूँ, और ये मम्मी हमारी सिंदूर लगा रही है। इसके बाद मैं करूँगी, जल छिड़कूँगी करवा को, और आग दी जाती है, ग्यार जिसे बोलते हैं वो रखी है, तो उसकी भी पूजा होती है। तो हमने टीका कर दिया है, और उसके बाद आप लोग देखते ही जाइए मैं क्या कर रही हूँ। अग्यार डाल रही हूँ, और आप लोग देखते रहिए, बने रहिए। कैसा लगा है मेरा वीडियो कमेंट में बताना। ये फिर उसके बाद हमने आचमन कराया, फिर उसके बाद हम कथा कहेंगे, ठीक है। तो ये मेरे हाथ फूल, मेरे चूड़ा कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि करवा मतलब चांद को अर्घ देने का टाइम हो गया था। तो हम यहाँ पे एक चौक टाइप में बना है, उसके नीचे गोल गोल फरा टाइप में होता है, वो पैर के नीचे दबाया जाता है अंगूठा के नीचे। उसके बाद ये करवा लेकर चांद को हम अर्घ देंगे, अक्षत छिड़केंगे और उनकी पूजा करेंगे। फिर यहाँ पे थोड़े से बांध करके, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मैं करवा बदल रही थी, करवा और गौरी माँ से बदलते हैं 7-5 बार, तो वही मैं बदल रही थी। फिर मेरे बाद मेरी मम्मी बदलेंगी, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी बैठ के, ऐसे करने में भारी था करवा मेरा भी। और मेरा करवा कैसा लगा कमेंट में बताना। तो ये जब अपनी जगह पर 5 बार हो जाता है तो हम उसको अपनी अपनी जगह पर रख देते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने हस्बैंड को टीका किया, और उसके बाद क्या किया आप लोग देखें। टीका करने के बाद मैं उनकी आरती उतारूँगी। तो छलने से दीप उठा के मैंने थाली में रख दिया था, फिर आरती उतारी। तो मेरे पापा बोले थोड़ा ऊँचे से करो, क्योंकि मेरे हस्बैंड थोड़े लंबे हैं ना, तो हाँ पापा बोले कि थोड़ा ऊँचे से करो, तो मैं ऊँचे से करने लगी, बहुत हँसी आ रही थी, काफ़ी इंजॉय किया।
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरे हस्बैंड मुझे मीठा खिला रहे थे, मतलब खिलाने जा रहे थे, ठीक है। तो मुझसे पूछ रहे थे क्या खाओगी, क्योंकि मतलब कुछ गोंद टाइप में था, तो बोले ये थोड़ा सूखा है तो तुमको प्यास लगी है तो थोड़ा बर्फ़ी खिला देते हैं। तो मुझे पहले बर्फ़ी खिलाया था कि खा के पानी पी लो। तो मैंने पहले अपने हस्बैंड को खिलाया, उसके बाद में उन्होंने मुझे खिलाया और फिर मैं उनको पानी पिलाऊंगी। और फिर ये मुझे पिला देंगे। बहुत प्यास लगी थी, इतनी प्यास लगी थी कि मैं पूरा लोटा का पानी मैं सब पी गई। उसके बाद में बहुत ज़्यादा हफ रही थी पानी पीने के बाद, बहुत प्यास लगी हुई थी। फिर पूजा होने के बाद मैंने अपने हस्बैंड के पैर छुआ, तो उसके बाद में वो मेरे लिए गिफ्ट लेके आए थे। तो क्या लेके आए थे पूरा वीडियो देखोगे तभी पता चलेगा। फिर यहाँ पे देखिए मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट दिया, तो मैंने इसे ओपन किया था, तो आप लोगों को मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या है। इसमें पायल है जो कि मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया था गिफ्ट में। तो कैसी लगी कमेंट में बताना।